आज साबूदाने की खिचड़ी बनाएंगे। साबूदाने को 5-6 घंटा भिगा दिया है। एक ग्लास साबूदाने को आधा ग्लास मूंग की दाल, आधा ग्लास मूंग की दाल आधा ग्लास पानी डाल के ऐसा बॉईल करके तैयार करके रखा है। इसके लिए जो सामग्री चाहिए, उड़द का दाल, चने का दाल, ग्रीन मिर्ची, अदरक, कड़ी पत्ता, धनिया, नारियल, नींबू, नींबू का रस। अभी इसको चौंक देंगे, ऑयल डाल रही हूँ। हींग, राई, चने का दाल, उड़द का दाल, ये थोड़ा रोज कलर फ्राई कर लेंगे। अदरक, मिर्ची, करी पत्ता, थोड़ा सा हल्दी। अभी साबूदाना, दाल, नारियल, स्वाद अनुसार नमक, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। नींबू का रस, इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करके स्लो फ्लेम में 5 मिनट के लिए पकाएंगे इसको। धनिया डाल रहे हैं, इसको ढक के 5 मिनट के लिए रखेंगे। देखिए तैयार हो गया है, कितना खिरा खिरा साबूदाने की खिचड़ी रेडी हो गया है। इसमें कैशू नट ऊपर से गार्निश के लिए डाला है। धनिया, साबूदाने की खिचड़ी रेडी।